आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पैटीज। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है थोड़ा सा, ठीक है, और इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी बड़ी टेस्टी। इसके साथ ही मेरे पास चिकन है 1 कप, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और शेड कर लिया था, और ये मेरे पास 1 कप है। आपने सिर्फ लहसुन नमक डाल के कर लेना, फ्राई करेंगे इसमें। इसके साथ ही मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 कप। फ्राई करेंगे 1 मिनट। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक खिसबे जायका। इसके साथ ही इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। इसके साथ ही इसमें ऐड करूँगी मैं वाइट पेपर 1/2 टीस्पून। इसके साथ गार्लिक पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे। कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। इसके साथ ही इसमें मैं सिरका ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबल स्पून। दो मिनट इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के आलू थे, सही है, और इसको मैंने इस तरीके से बॉईल करके मैश कर लिया था। इसको मिक्स करेंगे। मैं बंद कर देती हूँ। देखिए, मैंने उसको एक बॉल में जो है निकाल लिया है, ठीक है, और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस 1 टेबल स्पून। के साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी मायनीज 4 खाने की चम्मच। यहाँ पे अंडा 1/10 स्पून, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। इसके बाद देखिए, आपको दिखा देती हूँ एक ब्रेड बना के। ये देखिए, मैंने सर्कल शेप में इसको कट कर लिया है, सही है। अब इसके ऊपर अपनी फिलिंग रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद दूसरी साइड रख देंगे। इस तरीके से सारे बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने अंडे को फेंट लिया, सही है। क्या करेंगे अब हम, ये लेंगे एक ब्रेड, पहले इसके कॉर्नर्स पे आप उसको उस तरीके से लगाएं, बस इस तरीके से करके इसको आप ब्रेड क्रम्स पे कोट करें। इस तरीके से सारे बना लूंगी मैं। देखिए, ऑयल को मैंने रखा था गर्म करने के लिए, चलिए ठीक है। तो अब इसमें हम ऐड टर्मरिक करके